पानी को बचाना है इसके ऊपर उन्होंने एक अभियान चलाया था। तो आज मैं आपको दो तीन स्टेप बताऊंगी कि हमने पानी को कैसे बचा के रखना है। सबसे पहले कि जो टैप होती है, जैसे हमारे स्कूल में भी कई बार हमने देखा हमारे टीचर्स या बच्चे जब पानी लीक करता है तो वो आके टैप बंद करते हैं, उससे हम अपने पानी को बचा सकते हैं। दूसरा हमने रेन वाटर, जहाँ पर पानी की कमी है ना, वहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को वो बचा के रखते हैं, उससे फिर अपने खेतों में पानी को इस्तेमाल करते हैं, घरेलू कामों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कि जो हम अपने किचन का पानी, जो हम सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, दालें धोते हैं, उसका पानी वो हम अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह अपने स्कूल में, अपने घरों में पानी को सेव करके रखना है। जहाँ पर भी आप देखो कि टैप यूज हो रही है पानी, क्योंकि एक एक बूंद जो है, एक एक बूंद से कहते हैं सागर बनता है। तो अगर हम अपने घरों में या बाहर कहीं रास्ते में भी अगर आपको कोई टैप खुला मिलता है ना, तो आप ये ना सोचो कि हमें क्या है, आपने उसको बंद करना है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन में, अपनी जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, आप